हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2004 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुक बाज। इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1। क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1 अमेरिकी संगीतकार बॉब डायलन द्वारा लिखित एक संस्मरण है। ये पुस्तक 5 अक्टूबर 2004 को साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 304 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में डायलन के लंबे करियर के 3 चयनित बिंदु शामिल हैं, 1961, 1970 और 1989। जब वे क्रमशः बॉब डायलन, न्यू मॉर्निंग और ओ मर्सी लिख और रिकॉर्ड कर रहे थे। संस्मरण में डायलन के लड़कपन पर आधारित 3 अध्याय हैं और 2 अध्यायों में उन्होंने अपने आसपास के युवाओं और उनके अनुभव पर चर्चा की है। ये तब की बात है, ये बड़े पैमाने पर अनहेल्ड एल्बम न्यू मॉर्निंग और ओ मर्सी रिकॉर्ड कर रहे थे। जो बात सबसे पहले प्रभावित करती है वह है इस कृति की अत्यंत साहित्यिक प्रकृति। नंबर 2 पर है स्मॉल आइलैंड। स्मॉल आइलैंड ब्रिटिश लेखक एंड्रिया लेवी द्वारा लिखा 4th उपन्यास है और 2004 का पुरस्कार विजेता उपन्यास है, जिसे हेडलाइन रिव्यू प्रकाशक द्वारा 2004 में प्रकाशित किया गया था। इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास ने फिक्शन विटब्रेड बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उपन्यास 4 पात्रों के दृष्टिकोण से बताया गया है, क्वीन, हॉर्टेस, गिलबर्ट और बर्नार्ड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 1948 तक फैले इन पात्रों के बीच और वर्षों में दृष्टिकोण अक्सर बदलता रहता है। 4 वर्ण 2 जोड़े बनाते हैं, एक सफ़ेद और एक काला क्वीन, और बर्नार्ड विवाहित है जैसे हॉर्ट्रेस और गिलबर्ट है। प्रस्तावना श्वेत महिला क्वीनी के साथ शुरू होती है क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद इंग्लैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने और एक काले अफ्रीकी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने को याद करती है, जो उसके आसपास के अन्य गोरे लोगों के आतंक के लिए बहुत अधिक नेगेटिव है। नंबर 3 पर है द लाइन ऑफ ब्यूटी। द लाइन ऑफ ब्यूटी एलन हॉलिंगहर्स्ट का 2004 का मेन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है, जिसे पिकाडोर द्वारा 2004 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 400 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास 1983, 1986 और 1987 में 3 भागों में ब्रिटेन में सेट किया गया है। कहानी युवा समलैंगिक नायक निक गेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। निक मध्यम वर्ग का है और नॉर्थम्पटनशायर के काल्पनिक बाजार शहर बारविक से है। उन्होंने वर्सेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अंग्रेजी में प्रथम के साथ स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है और उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में स्नातकोत्तर अध्ययन शुरू करना है। उपन्यास के कई महत्वपूर्ण पात्र ऑक्सफोर्ड के निक के समकालीन पुरुष है। नंबर 4 पर है द प्लॉट अगेंस्ट अमेरिका। द प्लॉट अगेंस्ट अमेरिका 2004 में प्रकाशित फिलिप रोथ का एक उपन्यास है, जिसे ह्यूटन मिफ्लिन प्रकाशक द्वारा सितंबर 2004 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 400 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 2005 में इस उपन्यास ने सोसाइटी ऑफ अमेरिकन हिस्टोरियंस द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक फिक्शन के लिए जेम्स फेनिमोर कूपर पुरस्कार जीता। इसने वैकल्पिक इतिहास के लिए साइडवाइज पुरस्कार जीता। ये जॉन डब्ल्यू कैंपबेल मेमोरियल अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट था। उपन्यास को न्यूजर्सी के न्यूयॉर्क में बड़े होने वाले बच्चे के रूप में रोथ के दृष्टिकोण से हरमन और बेस रोथ के छोटे बेटे के रूप में बताया गया है। इसकी शुरुआत उड्डयन नायक चार्ल्स लिंकबर्ट से होती है, जिनकी पहली ही हिटलर की सरकार की प्रशंसा के लिए आलोचना की जाती है, जो अमेरिका की पहली पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ बोलते हैं और अमेरिका की भागीदारी को मजबूर करने की कोशिश के लिए यहूदी जाति की खुले तौर पर आलोचना करते हैं। नंबर 5 पर है क्लाउड एटलस। क्लाउड एटलस ब्रिटिश लेखक डेविड मिशेल का 3रा उपन्यास है, जिसे स्केप्ट्रे प्रकाशक द्वारा 2004 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 544 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसने ब्रिटिश बुक अवार्ड्स, लिटरेरी फिक्शन अवार्ड और रिचर्ड एंड जूडी बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता।
इसे बुकर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए नेबुला पुरस्कार और अन्य प्रशंसाओं के साथ आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध भी किया गया था। पुस्तक में 6 निश्चित कहानियां हैं। प्रत्येक को अगले के मुख्य पात्र द्वारा पढ़ा या देखा जाता है, जो केंद्र या 6ठी कहानी के माध्यम से समय के साथ आगे बढ़ता है। पहले 5 कहानियां प्रत्येक एक महत्वपूर्ण क्षण में घटित होती है। 6ठी कहानी के बाद अन्य को उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में हल किया जाता है। प्रत्येक खंड का नायक श्रृंखला में कालानुक्रमिक रूप से पहले के काम को पढ़ता या देखता है। नंबर 6 पर है गिलियट। गिलियट 2004 में प्रकाशित मर्लिन रॉबिन्सन द्वारा लिखित एक उपन्यास है, जिसे फरार स्ट्रॉस और गिरॉक्स प्रकाशक द्वारा 4 नवंबर 2004 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 256 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसने फिक्शन के लिए 2005 का पुलित्जर पुरस्कार और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। हाउसकीपिंग 1980 के बाद यह रॉबिन्सन का दूसरा उपन्यास है। गिलियट एक ऐतिहासिक उपन्यास है। पुस्तक जॉन एम्स की यादों और विरासत का एक लेखा जोखा है, क्योंकि वह अपने पिता और दादा के अपने अनुभवों को अपने बेटे के साथ साझा करने के लिए याद करते हैं। गिलियट आयोवा में तीनों पुरुष एक व्यवसायिक जीवन शैली और पेशे को साझा करते हैं। जॉन एम्स ने अपने व्यवसाय का वर्णन आपको एक अच्छी बुनियादी समझ दे रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और ये भी कि आप क्या अनदेखा कर सकते हैं। नंबर 7 पर है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन अमेरिकी लेखक डेविड फोस्टर वॉलेस द्वारा लघु कथा का संग्रह है, जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी प्रकाशक द्वारा 8 जून 2004 में प्रकाशित किया गया था। इस किताब में 330 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ओब्लिवियन वेलेस का तीसरा और आखिरी लघु कहानी संग्रह है और इसे 2004 के न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक ऑफ द ईयर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कहानी नवंबर 1995 में होती है और एक बाजार या सम्मेलन कक्ष में फोकस समूह के साथ साथ फोकस समूह टेरी श्मिट के सूत्रधार का अनुसरण करती है। श्मिट एक फोकस समूह का नेतृत्व करता है जो फेलोनीस नामक एक नए चॉकलेट स्नैक का स्वाद परीक्षण कर रहा है, जबकि एक व्यक्ति इमारत के उत्तरी छोर पर चढ़ता है। नंबर 8 पर है स्टेट ऑफ फियर। स्टेट ऑफ फियर माइकल क्रिस्टन का 2004 का एक तकनीकी थ्रिलर उपन्यास है, जिसे हार्पर प्रकाश द्वारा 7 दिसंबर 2004 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 641 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पीटर इवांस एक करोड़पति परोपकारी जॉर्ज मॉर्टन के वकील हैं। वो एक पर्यावरणविद संगठन राष्ट्रीय पर्यावरण संसाधन कोष NERF यानी प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के बाद मॉडलिंग में मॉर्टन के योगदान के आसपास के कानूनी मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। मॉर्टन को NERF के निदेशक निकोलस ड्रेक पर संदेह हो जाता है, यह पता चलने के बाद कि ड्रेक ने मॉर्टन द्वारा समूह को दान किए गए कुछ धन का दुरुपयोग किया है। नंबर 9 पर है द लास्ट ड्यूलर। जॉन ग्रीष्म का 2004 का कानूनी थ्रिलर उपन्यास है, जिसे पहली बार डबल डे द्वारा 3 फरवरी 2004 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 1970 में विली ट्रेनोर नाम के एक 23 वर्षीय कॉलेज ड्रॉप आउट को पता चलता है कि पुलित्जर विजेता पत्रकार बनने का उसका सपना कभी सच नहीं होगा। वह स्थानीय समाचार पत्र द फोर्ड काउंटी टाइम्स में इंटर्नशिप के लिए क्लेंटन मिसिसिपी चले जाते हैं। हालांकि वृद्ध संपादक विल्सन कोडल वर्षों की उपेक्षा और कुप्रबंधन के माध्यम से अखबार को दिवालियापन की ओर धकेलते हैं। विली ने अपनी धनी दादी से उधार लिए गए पैसे का उपयोग करके $50,000 में अखबार खरीदने का फैसला किया और वो टाइम्स का संपादक और मालिक बन गया। नंबर 10 पर है द मास्टर। द मास्टर आयरिश लेखक कोलम टोबिन का उपन्यास है, जिसे पिकाडोर पब्लिकेशन द्वारा 2004 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। यह उनका 5वां उपन्यास है और इसे 2004 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। मास्टर ने 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अमेरिकी मूल के लेखक हेनरी जेम्स को दर्शाया है। उपन्यास के 11 अध्यायों को जनवरी 1895 से अक्टूबर 1899 तक लेबल किया गया है और लंदन थिएटर में उनकी विफलता से लेखक का अनुसरण करते हैं। गाय डोमविल नाटक के साथ राई ईस्ट ससेक्स के शहर में उनके एकांत की यात्रा को बताता है, जहां बाद के वर्षों में उन्होंने तेजी से कई उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।